सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाउ टू ग्रो योर फोरहेड हेयर। फोरहेड पर ये जो पैच आ जाता है हमारी कुछ हेयर मिस्टेक्स के दौरान, उन्हें कैसे ग्रो करना है वही आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बैक इन 2018-19 ये मेरे हेयर पर भी था, एंड भाई सच में ये बहुत ज्यादा बुरा लगता है। मैंने भी इन्हें ग्रो ही किया था, तो कैसे ग्रो किया था एंड आप भी इसे जल्दी से कैसे ग्रो करते हो वही आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए, आपके हेयर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए होंगे, एक ही आपके टॉप एक आपके ये फोरहेड पे जो हेयर आ रहे हैं। अब देखिए, ये जो फोरहेड के हेयर हैं वो हमारे छोटे हैं, तो इन्हें जल्दी से हमें हमारे टॉप हेयर के लेवल का बनाने के लिए, मैच करने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है। सबसे पहले हमें हमारी टॉप हेयर लेंथ को हल्का सा छोटा कर लेना है। अगर आप मीडियम रखते हो तो हल्का सा और छोटा कर लेना, अगर आप लॉन्ग रखते हो तो हल्का सा और छोटा कर लेना, ताकि जब ये ग्रो हो तो ये जल्दी से एक साथ मैच हो जाए एंड आप फिर अपना हेयर स्टाइल कैरी कर सकते हो, जो भी आप कर सकते हो। एंड सेकंड चीज, आप क्या कर सकते हो, आप कैप भी वेयर कर सकते हो बाहर भाई, इसे छुपाने के लिए जब तक आप अपने हेयर ग्रो कर रहे हो। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट। अब आपको क्या करना है, आपको वीक में कम से कम 3 बार स्कैल्प पर अपने मसाज करनी है। मसाज आप कर सकते हो कोकोनट ऑयल से या कैस्टर ऑयल से या आर्गन ऑयल से। ये हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, इससे आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसे हल्का सा अगर आप गर्म करके मसाज करोगे तो भाई ओए होए मजा ही आ जाएगा। तो इससे आप वीक में 3 बार मसाज कर सकते हो। एंड आपको ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ देना ऑयल अपने हेयर पर, एंड मॉर्निंग में आपको शैम्पू से वॉश नहीं करना है। धीरे धीरे जब आप अपने हेयर वॉश करोगे तो ऑयल ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, बट मॉर्निंग में शैम्पू से वॉश नहीं करना। कोशिश करेगी स्कैल्प मसाज के दौरान स्कैल्प पर ही अपना ऑयल लगाए, हेयर पर ना लगाए। एंड एक और चीज आप कर सकते हो कि आप 2 से 3 ड्रॉप अपने फोरहेड एरिया पर रोज लगा सकते हो, ताकि उसकी ग्रोथ जल्दी हो। ऑयल हमारी हेल्प करता है हमारी हेयर की ग्रोथ में, पूरा ऐसे ग्रो नहीं कर देता बट बहुत ज्यादा हेल्प ऑयल करता है हमारी हेयर की ग्रोथ। फिर बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पर। आप एक एक्स्ट्रा चीज क्या लगा सकते हो अपने हेयर ग्रोथ के लिए, जिससे आपके फोरहेड हेयर बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ने लगेंगे। एंड बिलीव मी, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। आप यूज कर सकते हो मिनोक्सिडिल 5%। जी हाँ, 5% ही लेना, उससे ज्यादा मत लेना, नॉर्मल यूज के लिए काफी होता है इतना। अब मिनोक्सिडिल क्या करता है, जहां पर भी हम इसे यूज करते हैं वहां पर ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है। एंड जब सर्कुलेशन बढ़ाता है तो हमारे हेयर फॉलिकल्स एंड हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट होती है, एंड आपकी गाड़ी एकदम मारुति 800 से F1 रेसिंग कार बन जाएगी, मतलब ग्रोथ तेज हो जाएगी। यूज कैसे करते हैं इसे, यूज आपको नॉर्मल जैसे आप अपना हेयर ऑयल यूज करते हो वैसे ही आपको इसे इसके साथ एक ड्रॉपर मिलेगा, आपको आपको वहां पर लगाना है। एंड उसके बाद उससे हल्का सा 2-4 मिनट मसाज कर लेना, एंड वैसे ही उसे छोड़ देना कम से कम 2 घंटे, एंड ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। एंड देन आप 30 डेज में देखना आपकी हेयर ग्रोथ में कितना ज्यादा चेंज आएगा, एंड आपके हेयर देखना कितने क्वालिटी वाले आएंगे। देन बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की, स्टॉप ओवर वॉशिंग योर हेयर। जी हाँ मेरे भाई, काफी सारे लोग क्या करते हैं, रोज के रोज शैम्पू लगा रहे हैं या हेयर को वो वॉश करते ही जाते हैं, तो ओवर वॉशिंग आपको बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे स्कैल्प जो है वो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करता है, जो कि किसी भी और प्रोडक्ट से हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है, बहुत ज्यादा जरूरी ये ऑयल होता है। एंड हमारा स्कैल्प इसे ऑटोमेटिकली नेचुरली प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए जब आप इसे वॉश करते हो तो ये वॉश आउट हो जाता है, और जब वॉश आउट हो जाता है आपका स्कैल्प ड्राई पड़ता है एंड हेयर ग्रोथ फिर स्लो हो जाती है। तो इसीलिए कोशिश करें डेली हेयर वॉश ना करें। आप कुछ कुछ दिनों में हेयर वॉश कर सकते हो, जैसे 3-3 दिन में आप अपने हेयर वॉश कर सकते हो, एंड शैम्पू का यूज भी कम कर दे, क्योंकि शैम्पू से सबसे ज्यादा ड्राई हमारा स्कैल्प पड़ता है। ये चीज 1 महीना फॉलो करना, एंड उसके बाद रिजल्ट कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, देखना आपकी हेयर ग्रोथ काफी तक बढ़ जाएगी। सो बस गाइस, इतना था आज की वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।